राजा राम की जय हो गाइस। ये देखो पापा के साथ आज छोटा सा प्रैंक करता हूँ मैं। देखना तुम जाओ बैठा, तुम जाओ बैठा, तुम जाओ बैठा। राम राम भाई। जय श्री राम। क्या हो गया? दिन में भी डर रहा है क्या तू? खतरनाक आदमी है यार, कुछ भी यार। आदमी में बड़ा खतरनाक हूँ। तो दिन में क्या क्या देख रहा है तू? अरे कार्ड सेंड करे से डिलीट कर दिया। और मतलब उनको नहीं बुलाना जिसके पास सेंड किया? बुलाना है तो डिलीट क्यों कर रहा है? कर दिया सेंड उनको। यूं अब जिसको सेंड करना उसके बच्चे मालूम पड़ जाएगी कितने बच्चे हैं कितने वो कर दिए। वाह यार, कल देख 10,500 में पड़ गए। हाँ आज लगभग 30,000 में पड़ेंगे। क्यों? आज बेड लेने जाना है। 30,000 वाला लाओगे? मतलब गद्दा भी तो आएगा। अच्छा ऐसा। बेड तो ऊपर से कितने महंगा ले आओ बस ऐसे। मतलब ऐसा लाएंगे, टारगेट 30,000 का। मतलब हाँ, मतलब ऐसा लाएंगे ज्यादा नुकसान में, मतलब नुकसान इन द सेंस कि ज्यादा महंगा भी ना पड़े, ज्यादा सस्ता भी ना रहे, मतलब अच्छी क्वालिटी रहे, थोड़ी सा चल भी ले। ऐसा चलेगा तो सब अपन उसमें मस्ती थोड़ी करेंगे कि टूट जाएगा वो। क्यों? खेलना कूदना बड़ा हो रहा है यार, खेलने कूद तो गेट पे खेलो कूदो। और उसको जो है घुसंड घुसंड बापू बैठे इतना मजबूत, इतना हल्का तो नहीं आएगा। तुम मस्ती भी करोगे तो नहीं टूटेगा वो। नहीं अच्छी क्वालिटी का लाएंगे ना, इसलिए तो थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा किया है। एक काम करें अपन लाइट वाला ले आएं फिर। ना ना अच्छे और हाई क्वालिटी का मिलेंगे, देखते हैं। ये तो अपने को वहाँ चलना पड़ेगा, फिर एक्सचेंज कर ले। सागी का लेके आए क्या? सागी डन का। सागी का फिर वो 50,000 का पड़ेगा। फिनिशिंग में नहीं आएगा? फिनिशिंग भी देख लेंगे। सागी का 50 के समथिंग पड़ेगा। हाँ गद्दा 12-13,000 का अलग है। 12-13, 15-20 जो भी डन का तो 70,000 का लगभग। 70 डन कर उठा लेंगे। चलो तो फिर कल चले डन कर। क्या नहीं आज अब सागी का किससे सब कर दूंगा मैं, सारे सब कर दूंगा। टेंशन मत, मिलेगा क्या सागी का? सब मिल जाएगा मार्केट में, कुछ नहीं देगा सब मिल जाएगा अपने को। चलो उससे चलिए गाइस, मिलते हैं एक्सरसाइज के टाइम पे। गाइस अभी वार्म अप किया है और आगे की बातें पापा बोलेंगे। हाँ पापा, पापा पापा का आशीर्वाद आपको सदा साथ रहेगा। दौड़ ले, खूब मौज मस्ती लो, अभी रनिंग का आनंद लो। ये अपने ये बताना अब क्या करेंगे अपन? आगे चल के कुछ ना कुछ देखेंगे जुगाड़। साले शूट लगाने हैं, 100 मीटर की शूट लेंगे 5-6। हाँ चलो नी रनिंग कर ले जल्दी से। चल गाइस हम रनिंग करके 100 मीटर की शूट लेते हैं। गाइस फिलहाल एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, उधर वो भी लगा रहे हैं। बट आज मेरे दादा की डेथ एनिवर्सरी है भाई। बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, बहुत कुछ देखा हमने उनके साथ। मतलब जो एक्सपीरियंस उनके साथ मिला वो सच में नेक्स्ट लेवल था। बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने हमें बताई कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आज भी याद है हमें, जब हम छोटे से थे ना तो दादाजी सुबह 5 बजे उठा देते थे, और भाई जब तक स्कूल, मतलब ये लगा लो 6-7 बजे तक बोलते थे जाओ अब नहा धो करके रेडी हो जाओ स्कूल के लिए। और छोटा वाला भाई सो जाता था भाई, उसको ना लाठी मारते थे वो ऐसे। मतलब दादाजी बोलते थे बाबा छोटे वाले भाई को, उसको ये बोलते थे कि मेरा भाई है ना सोता सोता ऐसे करता था, मुंह ऐसे करके सो जाते पढ़ता पढ़ता ऐसे ऐसे। दादाजी बोलते रुक जा मेरी तरफ मुंह करके सो रहा है, इतना आरामी है वो। दूसरी तरफ पीठ करके सो जाता था ऐसे करके। भाई मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पढ़ता लिखता नहीं था ज़्यादा, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ाई में उसका थोड़ा सा कम मन लगता था वो ना। आज एक छोटी सी बात शेयर कर रहा हूँ मैं, वो ना पता नहीं कहाँ से पैसे वैसे लाता था, और ना उसके पास टॉफी रहती थी या फिर कुछ भी रहता था। हम दो बड़े भाई सबसे छोटा भाई, वो कुछ भी लाता था, पता क्या बोलता था, मेरी सिक्योरिटी कर लो, मतलब कि मैं सो रहा हूँ दादाजी उठे या मेरी तरफ देखें तो मेरे को जगा देना और जगाने की एक चॉकलेट मिलेगी। अरे भाई उसने खूब चॉकलेट दिया, आज तक घर वालों को नहीं पता, आज मैं बता रहा हूँ ये बात शेयर कर रहा हूँ। खूब चॉकलेट दी भाई उसी ने भाई, मतलब क्या ही तो बताऊँ मैं। टॉफी लाता था, कभी 2 रुपए देता था, कभी 1 रुपए देता था, ऐसा मतलब
सही था यार, मतलब आराम के लिए उन्होंने वो कर लिया। आराम करने के लिए वो हमें रिश्वत देता था ताकि हम उसकी सिक्योरिटी रख सकें। एंड बहुत सारी बातें हैं यार, मतलब फिर रात को भी पढ़ाते थे 11 बजे तक भाई साहब। फिर ना किसी दिन रामायण वगैरह या कोई भी सीरियल टीवी वगैरह देखना रहता था तो बोलते थे 10 या 10 देखने दो, ऐसा रहता था भाई। मतलब क्या ही तो बताऊँ उनके बारे में, जितना बोलूँ उतना कम है। क्योंकि पता है जैसे मैं पूरी सर्दियों की बार ठंडे पानी से नहाया हूँ ना, मेरे दादाजी हमेशा हर सर्दी ठंडे पानी से नहाते थे, कभी गर्म पानी से नहाते नहीं थे। आजकल जो लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं ना, पहले केमिकल्स का यूज़ नहीं होता था, मतलब साबुन वगैरह बहुत कम यूज़ करते थे, कभी कभार हो गया तो अलग बात है, और ना मुल्तानी मिट्टी से ऐसे ऐसे हाथ से रगड़ के नहा लेते थे, मतलब वो ज़्यादा परफेक्ट थे। तो सबसे बड़ी बात पता क्या है, जो मैं 12th क्लास में था ना, तो मेरे को वो ना पीछे कर देते थे 100 मीटर के शूट में, और उस टाइम पे मैं अच्छा खासा दौड़, 12th क्लास में तो नहीं 10th के समथिंग, अच्छा खासा दौड़ लेता था। लेकिन वो उस बुढ़ापे में भी आर्मी रिटायर्ड पर्सन थे ना भाई, तो वो हमें पीछे कर देते थे, इतनी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। बट एक दिन ऐसा आया कि वो भाई रात को 11 बजे 8 फेल हो गया, तो वो अलग मैटर था उसका, तो ठीक है बट सीखने को बहुत कुछ था भाई, सच में बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था वो मेरा भी, मेरी लाइफ का। उसके बाद बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हुई लाइफ में, बहुत उतार चढ़ाव भी देखे। शायद आज वो जिंदा होते तो मैं, घर का माहौल ही अलग कुछ और होता, बट ठीक है जिसके जितना है, जो जितना जीना, जिसको जितना जीना है उतना ही जिएगा वो। तो चलो ज़्यादा इमोशनल नहीं होता हूँ मैं अभी, और आपको भी नहीं करता हूँ। मिलते हैं 2 मिनट में। ये जूते मैं होली पे पहने थे मैंने, गंदे हो गए, अब मेरा पहनने का मूड नहीं है, मैं सोच रहा हूँ फेंक दूँ कचरे में। अभी कचरे की गाड़ी भी आ गई और फेंक देते हैं भाई इन जूतों को भी। गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि बाबा की यहाँ पर माता पूजन हो रही है और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। उन्होंने फ़ोन लगाया था बीच में, मैं सोचा मजाक कर रहा है भाई साहब, वो सच में सीरियस था भाई। जाके थोड़ा सा डांस वांस करेंगे वहाँ पे, दिल से पहुँच जाता हूँ। ये दिखा तेरा ये गुड सिंह मंदिर सस्ते ना से आप मिले नहीं थे, वो आप मिलेंगे तब जाऊंगा। गाइज माता पूजन से आ चुका हूँ मैं, एंड यहाँ पर ये देखो, ये जो स्वेटर है ना मेरे दादाजी के टाइम की है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी है भाई साहब। 2010 में ली थी स्वेटर मैंने, US पोलो की भाई, पर आज तक मैंने स्पेशल, मैं हर सर्दी में पहन लेता हूँ इस स्वेटर को मैं, और मैंने आज तक नहीं फेंका इसको, मैं फेंकूँगा भी नहीं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो शायद हम कभी भी भुलाना नहीं चाहते, देखो उनमें से एक याद ही है। बाई द वे घर की सफाई चल रही है क्योंकि जगह नहीं है बेड कहाँ रखे, तो ये सारा का सारा सामान इधर उधर कर रहा हूँ मैं। ये देखो मछली का भी जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ, तो जल्दी से सफाई वही कर लेते हैं। हालांकि सफाई तो नहीं हो पाएगी, बट इतना है कि बेड रखने की जगह कर देंगे, 2-4 दिन लगेंगे। सारा का सारा ये जितना ऊपर दिखाई दे रहा है सारा ऊपर से बिल्कुल ऐसा कर देंगे चकाचक कर को। मम्मी आने से पहले मम्मी को ऐसा लगना चाहिए, हाँ मतलब आलीशान बंगले में आई मम्मी। सामने रो रहा टोरा भाई, बच्चे रो रहे हैं भाई। दबे घर की सफाई करते करते कपड़े भी धो दिए मैंने सारे, घर से निकल गया काफ़ी ज़्यादा सामान, कल थोड़ा सा और निकालेंगे भाई। एंड भैया को दे देते हैं, भैया ने ये रिजेक्ट कर दिया ये कुछ मटेरियल, ये तो हमें कचरे वाली गाड़ी में डालना पड़ेगा। गोली निकाल रहे भाई, गोलियों का सामान इनको डिकम्पोज करेंगे भाई। गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ अपना नया बेड लाने के लिए, और भाई साहब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, डिज़ाइन वगैरह चेक करने पड़ेंगे, एक दो दुकान देखेंगे। हालांकि मेरे को पता है मेरे को कहाँ से लेना है, मैंने भैया से बात भी कर ली है, बट फिर भी एक तो जगह डिज़ाइन तो देख कर आऊँगा भाई मैं, और प्राइस का भी थोड़ा सा ताकि कंपेरिजन हो सके। गाइस आज बाबा ड्राइवर बने हुए, ओ भाई मारेगा भाई, ये कैसा ड्राइवर है वे, एक मिनट रुक जाओ भैया, इसी का इसकी ओ भगवान भी गायब हो गए ओए। वो क्या आदमी है भाई, ओ भाई
खतरनाक गाड़ी है भाई। हमारे वाले के यार मेरे दिल पर आई थी, भैया पहले पसंद करिए ना, सीधे मैं उठ ले आएंगे। नहीं नहीं नहीं, लेकर आएंगे। अरे तो गाड़ी ना खड़ी करेंगे, मैं अपने आप खड़ी करवा दूंगा। चल इस दुकान में तो आ गए, पर डिजाइन में कुछ मेरे को मटेरियल मज़ा नहीं आया। सगद्दा देखो, गद्दा तो अच्छा लग रहा है। डिजाइन 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 देख तू, ये कैसा लग रहा है बाबा। अरे फिर इसमें कबर्ड भी है क्या? हाँ, एक वो है आगे है ना, ये देखना ये कैसा लग रहा है। ओहो भाई, ये भी है एक झुल्ली है भाई, झुल्ली है। चले चलो यार, दूसरी दुकान में आ गए भाई। हम देखते हैं यहाँ पे क्या बसड़ फैलाएंगे हम। शादी का सीजन चल रहा है, माल जा रहा है भाई। दो चार बेड देखिए, डबल बेड में चाहिए भैया। ये तो शोरूम है, गोडाउन दिखा दो अभी। गोडाउन नहीं है क्या? अरे गोडाउन का ही माल है। और भी नीचे होगा ना। हाँ देखा ना गाइस, दुकान वाले परेशान हो गए, हमें छोड़ के चले गए। जो समझ में आए वो ले लो। तो हमने ये लेयर्स वाला गद्दा चूज़ किया है, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फोम वाला है ना, वो बैठते हैं ना तो थोड़ा हार्ड हार्ड लग रहा है हमें। हालांकि वो है तो फोम, बट ये देखो इस पर बैठते हैं ना तो अंदर अच्छे से नहीं जा रहा उतना ज़्यादा, उतना नहीं जा रहा जितना वो जा रहा है। वो ज़्यादा जा रहा था ना। हाँ, वो थोड़ा सा नरम नरम है ना वो, ये थोड़ा डन कर वो। क्या हो गया टेस्ला? टेस्ला क्या हो गया टेस्ले को? टेस्ला तो माँ उसकी उसकी गाड़ी ही। वो तो उसने क्या कर दिया गैज? याद से दुकान हमारी, कोई भी नहीं यहाँ पे। बाबा क्या क्या कहता है, जो समझ रहे वो उठा ले। ये समझ में आया तेरे को? उठा ले, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है भाई, खाली छोड़ के चले गए। साहब आपकी दुकान है, जो समझ में आए ले लो। ओ भाई बसड़ा भाई, ये क्या समझ में आया तेरे को? बाबा देख रहे क्या है ये तो उसकी पुलाई है, इसी पेक करके आती है। किसकी पुलाई आ गई? और ऊपर बुलाने की। तू ये जबरदस्ती की चीज़ मत देख, तू अपनी देख बस। तू बता कुर्सी कौन सी अच्छी लगी ऑफिस के लिए? ओ भाई बैठ के देखो एक बार, कौन सी कंपनी की। हाँ जिंदगी का मजा तो इसी में बाबा, सारे जब तक बैठ देंगे तब तक अपन कुर्सी पे झूल लेते हैं। एक काम करते, तब तक झूल लेते हैं, तू मेरे को धक्का मार है ना। कैमरा बंद करता हूँ, धक्के धक्के खेलते हैं भाई थोड़ी देर, जब तक वो आती हैं। और कुछ इनाम में हमारा? ये आप और दूसरे आसारा तो इनाम में नहीं है, तो वही है शॉपिंग का। वाह वाह वाह, चलने दे, मजा कर दिया यार। गाड़ी चल रही है ये सब मालूम पड़ रही है। देखना देखना मनीष मनीष उधर देख, पीछे कर दो थोड़ा सीधा ना, बस काट दिया। वाह वाह वाह, यही थे वो भी, वो अपन एक देख रहे थे, वो उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा थी ऐसा लग रहा है। इसी से सेम भी सेम है। गाइस फाइनली ये देखो भाई साहब, बेड रेडी। क्या खतरनाक बेड है भाई, मजा आ गया भाई। ये देखो भाई, ओहो हो, डिजाइन विजाइन देखो भाई, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई। तगड़े वाला क्वालिटी, सागवान की लकड़ी का भाई, और गच डिजाइन के डिजाइन मच। बाबा गिर मत जाइयो। कैसा है गद्दा? अब मजा आएगा? तो फिर ठीक है, फिर सब लड्डू गोपाल अपने आ गए हैं, ये बेड पे बैठेंगे। लेकिन पहले मैं साथिया बना दूँ एक बार बेड के ऊपर भाई,
और ये देखो कैसे बनेगा एक लड्डू गोपाल की बारी। लड्डू गोपाल बैठेंगे नए बेड के ऊपर। ओ माय गॉड, मैं पहले क्यों बैठ गया, कोई बात नहीं। लड्डू गोपाल जी आइए, 1 2 3 टेन टेन। ये देखो भाई साहब, बेड का शुभारंभ कर दिया है लड्डू गोपाल ने। और अब मैं जल्दी से हनुमान चालीसा करने जाता हूँ मंदिर में, क्योंकि आज है मंगलवार और लड्डू गोपाल तब तक विश्राम करेंगे। टुंगू टुंगू। और राखी की पोशाक आ गई, कैसी लगी पोशाक, पसंद आई? डन करूँ? तो भाई साहब जल्दी से चला जाता हूँ अपने हनुमान चालीसा पे। पोशाक सिल के आ गई भाई साहब, हम पीने आ गए गन्ने का जूस बाबा के साथ में। अब जूस डिसाइड करेंगे क्या पीना है। आओ आप भी। बन नहीं रहा है दोस्तों, ये मजे ले रहा है उधर। मैंने जब तक मेरा निपटाया तब तक भाई साहब एक और आम का सूट गए। वाह गोटे और पिए गए, नहीं ये वीडियो में नहीं डालूंगा मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। हनुमान जी इंतजार कर रहे थे अपना, तो आरती करते साथ पंडित जी ने आवाज आ रही थी मेरे को। करें करें स्टार्ट, पंडित जी के नंबर होंगे ना। पंडित की जरूरत क्या है, अपन तो है हनुमान चालीसा करेंगे मौजे करेंगे। चलो चलो, कोई आए ना क्या फर्क पड़ता है। सही बात है।